गाइस आज के इस वीडियो में हमारे पास है ओप्पो की तरफ से न्यूली लॉन्च किया गया ओप्पो रेनो 10 प्रो प्लस 5G और रेनो 10 सीरीज में यहाँ पे तीन अलग अलग मॉडल्स लॉन्च किए गए हैं और तीनों ही मॉडल में मेनली आपको कैमरा में, चार्जिंग स्पीड में और प्रोसेसर में डिफरेंस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इस वीडियो में हम जो है 10 प्रो प्लस 5G को अच्छे से कवर करने वाले हैं, बाकी जो दोनों मॉडल्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा हम बातें करेंगे। तो अगर आप लोग इन स्मार्टफोन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल गैजेट्स डिस्कवरी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बॉक्स कंटेंट की। तो यहाँ पे आपको फोन के साथ बॉक्स में चार्जिंग अडैप्टर मिलेगा, चार्जिंग डाटा केबल और एक फोन का कवर, साथ में कुछ बुकलेट्स। और चलिए अब सबसे फर्स्ट में हम बात करते हैं फोन के ऑल ओवर लुक्स एंड डिज़ाइन की, जो कि सबसे पहले कोई भी अगर फ़ोन को परचेज करता है तो इसके लुक्स एंड डिज़ाइन ही देखने वाला है। यहाँ पे लुक्स एंड डिज़ाइन के मामले में आप देखोगे जो 10 सीरीज़ में तीन मॉडल हैं, तीनों ही मॉडल काफ़ी शानदार है। जो 10 और 10 प्रो होने वाला है यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस तरीके का कैमरा मॉड्यूल यहाँ पे मिलेगा, और जो 10 प्रो प्लस होने वाला है उसका कैमरा मॉड्यूल कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। जो भी कुछ कहो, तीनों ही मॉडल यहाँ पे काफी लाजवाब होने वाले हैं लुक्स के मामले में, पीछे की तरफ से तो काफी शानदार दिखते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको दो अलग अलग कलर्स मिलेंगे तीनों ही मॉडल में, और मैट फिनिश और शाइनी फिनिश दोनों ही फिनिशेस के साथ ये अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है। बात करें साइड पोर्ट्स और बटन्स की, तो स्मार्टफोन में नीचे की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट, माइक्रोफोन, सिम ट्रे यहाँ पे दी गई है, नैनो सिम ही यहाँ पे आप यूज कर पाओगे। ऊपर की तरफ चले तो यहाँ पे IR ब्लास्टर आपको देखने को मिल जाता है, तीनों ही मॉडल में यहाँ पे मिलने वाला है। साथ में यहाँ पे जो प्रो प्लस है इसमें ऊपर की तरफ आपको 3 जो डॉट्स है वो एक्स्ट्रा दिखेंगे, वो भी स्पीकर साउंड के लिए यहाँ पे दिए गए, यानी कि यहाँ पे आपको ड्यूअल स्पीकर मिलने वाले हैं प्रो प्लस में। इसके अलावा राइट साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन देखने को मिलता है, नीचे की तरफ पावर बटन दिया गया है और लेफ्ट साइड बिल्कुल प्लेन है। और इस तीनों ही मॉडल्स में आपको कर्व डिस्प्ले मिलने वाली है, और जो भी कुछ कहो फ्लैट डिस्प्ले से जो कर्व डिस्प्ले है वो ज़्यादा प्रीमियम लगती है। मोस्टली मैंने देखा है कर्व डिस्प्ले वाले जो स्मार्टफोन होते हैं वही लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं। जैसे भी आप लोगों ने वीडियो में देखा, मैंने ओप्पो रेनो 10 प्रो को भी इंक्लूड किया 10 प्रो प्लस के साथ, वो इसलिए क्योंकि आपको फ़ोन की जो आउटर लुक है उसके बारे में थोड़ा अंदाज़ा लग जाए। वैसे ज़्यादा कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं है, फ़ोन लगभग एक जैसे देखने में लगते हैं, बट जो कैमरा मॉड्यूल है उसी में थोड़ा चेंज है। तो चलिए अब हम मेनली थोड़ा बात करते हैं 10 प्रो प्लस के बारे में, और सबसे फर्स्ट में हम चलते हैं इस फोन के डिस्प्ले की तरफ। तो यहाँ पे आपको इस स्मार्टफोन में 6.7 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, और ये डिस्प्ले जो है कर्व है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है। साथ ही यहाँ पे सेंटर पंच होल कैमरा दिया गया है, तो डिस्प्ले के मामले में फ़ोन काफ़ी सही है। कलर्स वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से देखने में मिलते हैं, और अगर आप साइड एंगल से भी देखते हो तो व्यू जो है साइड एंगल से वो भी अच्छा है, क्योंकि कर्व डिस्प्ले यहाँ पे दी गई है। साथ ही 120 हर्ट्ज़ का फास्ट रिफ्रेश रेट यहाँ पे दिया गया है, जिससे अगर आप फोन को ऑपरेट करते हो तो बिल्कुल लिक्विड स्मूथ यहाँ पे आपको डिस्प्ले लगने वाली है। इस बात की जाए फोन के ऑडियो क्वालिटी की, तो यहाँ पे आपको ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, जिनसे काफ़ी क्लियर और क्रिस्प साउंड सुनने को मिलेगा। मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा पर्सनली, मुझे तो बहुत ही सही लगे इसके स्पीकर्स। बात करें फोन के सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पे आपको कलर ओएस 13.1 देखने को मिलता है एंड्रॉइड 13 के साथ। जो कलर ओएस है काफी हद तक यहाँ पे आपको क्लियर और शार्प देखने को मिलता है, बस यहाँ पे आपको कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन देखने को मिलती है, जैसे कैंडी क्रश, कुछ गेम्स वगैरह या कुछ और एक्स्ट्रा एप्लीकेशन, बट उन्हें आप वन टैप में इजीली अनइंस्टॉल कर पाओगे। और इसके अलावा यहाँ पे आपको हमारी सिलिकन XMPU जो है उसका सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिससे आपका जो वीडियो एक्सपीरियंस है चाहे SDR मोड में हो, नाइट मोड में हो, काफ़ी एनहेंस होने वाला है। और यहाँ पे आप पीछे हमारी सिलिकन X की बैजिंग भी देख सकते हैं कैमरा के ऊपर। बात करें फोन के चिपसेट की, तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 का चिपसेट देखने को मिलता है 5G सपोर्ट के साथ, तो यहाँ पे आप 5G को एंजॉय कर पाओगे स्मार्टफोन में। साथ ही 12GB की रैम और 256GB की स्टोरेज मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आप 12GB तक रैम एक्सपेंड कर सकते हो स्मार्टफोन में। सो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 का चिपसेट रहने वाला है, तो आपको जो परफॉर्मेंस है वो भी बेटर देखने को मिलेगी। मैंने गेमिंग वगैरह करके देखी यहाँ पे, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस मुझे गेमिंग का मिला, लैग फ्री एक्सपीरियंस रहा, और बाकी डे टू डे यूजर्स में तो फोन काफी स्मूथ ही परफॉर्मेंस देने वाला है। अगर फोन की बैटरी की, तो यहाँ पे फोन में आपको 4700mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, साथ में 100 वोट का सुपरवूक चार्जिंग सपोर्ट, जिससे लगभग 10 मिनट के राउंड में फ़ोन 50% चार्ज हो जाता है, तो चार्जिंग के मामले में फ़ोन काफ़ी सही रहने वाला है। इंस्टेंटली आप चार्ज करके फ़ोन को यूज़ कर सकते हो कुछ ही मिनट में लंबे टाइम तक। साथ ही यहाँ पे फ़ोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, यहाँ पे इसकी लोकेशन रहने वाली है, साथ में फेस अनलॉक भी, और दोनों की स्पीड बिल्कुल
अल्ट्रा फास्ट मिलेगी। बात करें फोन के कैमरा सेक्शन की तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप पीछे की तरफ देखने को मिल जाता है, जहाँ पे 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दिया गया है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ, साथ ही 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, इसमें भी आपको OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। बात करें सेल्फी कैमरा की तो यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है ऑटो फोकस के साथ। यहाँ पे अब आप कुछ फोटो सैंपल देख सकते हैं फ्रंट कैमरा के, काफ़ी अच्छे फोटोज यहाँ पे निकल के आते हैं सिंपल मोड में, पोर्ट्रेट मोड में देख लीजिए आप, जो S2S डिटेक्शन है वो भी काफ़ी हद तक एक्यूरेट देखने को मिल जाता है। साथ ही आप फ्रंट कैमरा से जो है पोर्ट्रेट वीडियोज भी निकाल सकते हो, और साथ ही स्टडी मोड वगैरह यहाँ पे फ्रंट कैमरा में दिया गया है जिससे आप स्टेबलाइज वीडियोज भी निकाल पाओगे। इसके अलावा बैक कैमरा की बात करें तो बैक कैमरा से भी आप यहाँ पे देख सकते हो काफी अच्छे फोटोज निकल के आते हैं, और बैक कैमरा में भी आपको जो है पोर्ट्रेट वीडियो शूट करने का ऑप्शन मिल जाता है, साथ ही स्टेबलाइज वीडियो भी आप यहाँ से शूट कर पाओगे क्योंकि स्टडी मोड यहाँ पे दिया गया है, और 4K तक आप यहाँ पे वीडियोस शूट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको ड्यूअल व्यू वीडियो शूट करने का ऑप्शन मिल जाता है, टाइम लैप्स भी है, स्लो मोशन स्टिकर्स वगैरह और एक्स्ट्रा HD ये सब फीचर यहाँ पे दिए गए हैं। सो ऑल ओवर जो यहाँ पे कैमरा का एक्सपीरियंस रहने वाला है फोन के साथ आपको बेटर ही देखने को मिलेगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ मारी सिलिकन XNPU जो है उसका भी सपोर्ट यहाँ पे दिया गया है, तो उससे आपको और बेटर परफॉर्मेंस कैमरा में मिलने वाली है। बाकी कुछ और फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग NFC का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, साथ ही आयर ब्लास्टर भी जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ दिया गया है, तो इससे आप अपने TV को AC वगैरह को कंट्रोल कर पाओगे फ़ोन की हेल्प से ही। और रही कॉल रिकॉर्डिंग की बात तो यहाँ पे गूगल डायलर का सपोर्ट मिल जाता है, तो कॉल रिकॉर्डिंग तो मिलेगी बट उसमें जो दूसरा कॉलर है उसको नोटिफिकेशन जाएगा कि आप उसकी कॉल रिकॉर्ड कर रहे हो, और वो भी आप जब कॉल लगाओगे उसी टाइम रिकॉर्ड कर पाओगे। बाकी फोन में आपको ऐप लॉक, ऐप हाइड, प्राइवेट सेफ जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस यहां तक आपने देखा ओप्पो रेनो 10 प्रो प्लस के सभी फीचर्स के बारे में, और इसके जो मेन हाइलाइटेड फीचर्स सबसे बेस्ट लगे, एक तो 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो पोर्ट्रेट लेंस यहाँ पे दिया गया है, 100 वोट की सुपर वूक फास्ट चार्जिंग, साथ में फ्लैगशिप लेवल का स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 का चिपसेट। तो गाइस अब यहाँ पे बचे बाकी दो मॉडल्स, उनके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि क्या क्या डिफरेंसेस तीनों में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको बताया है जो 10 प्रो प्लस है इसमें 8+ Gen 1 का चिपसेट मिलेगा, लेकिन जो 10 प्रो होने वाला है उसमें आपको स्नैपड्रैगन 778 का 5G चिपसेट मिलेगा, और जो रेनो 10 होगा उसमें आपको डायमेंसिटी 7050 का चिपसेट देखने को मिलेगा। और बाकी दूसरा जो डिफरेंस होगा वो होगा कैमरा सेंसर्स में, 10 Pro Plus का जो कैमरा मॉड्यूल है उसके बारे में आपको बता चुका हूँ, लेकिन जो 10 Pro होने वाला है उसमें आपको 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो पोर्ट्रेट लेंस मिलेगा, बाकी जो स्पेसिफिकेशन है फ्रंट बैक कैमरा की वो सेम रहेंगी। और बात करें रेनो 10 की तो यहाँ पे भी आपको 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो पोर्ट्रेट लेंस मिलेगा, साथ में जो मेन कैमरा है वो यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का होने वाला है। तो मेजर डिफरेंस है वो इनकी चार्जिंग स्पीड में देखने को मिलता है, रेनो 10 प्रो प्लस में आपको 100 वोट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, वहीं रेनो 10 प्रो में मिलेगी 80 वोट की फास्ट चार्जिंग, और रेनो 10 में मिलने वाली है 60 वोट की फास्ट चार्जिंग। बात करें डिस्प्ले की तो डिस्प्ले यहाँ पे आपको फुल HD प्लस तीनों ही स्मार्टफोन में मिलेंगे, बस जो रिजोल्यूशन है उनमें आपको माइनर चेंजेस देखने को मिलेगा, तीनों ही स्मार्टफोन में कर्व डिस्प्ले यहाँ पे मिलने वाली है। बाकी अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो रेनो 10 प्रो प्लस को लॉन्च किया गया है 55,000 रुपीज में, और रेनो 10 प्रो को लॉन्च किया गया है 40,000 रुपीज में। बाकी यहाँ पे आप खुद से भी देख सकते हैं ओप्पो की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे रेनो 10 का भी प्राइसिंग शो नहीं किया गया है, और बाकी जो 10 प्रो प्लस है और 10 प्रो है यहाँ पे आपको 4,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप इसको अभी परचेज करते हैं। बाकी जो मैंने प्राइस आपको बताए थे वो लॉन्च प्राइस हैं इसके, तो थोड़े टाइम बाद वो प्राइस ऑफिशियली हो जाएंगे। बाकी अगर आप नॉर्मली परचेज करोगे स्टोर वगैरह पे जाके ऑनलाइन, तो वहाँ पे कार्ड्स वगैरह पे आपको डिस्काउंट नॉर्मली मिल जाएंगे। सो गाइस फाइनली ये था आज का हमारा वीडियो ओप्पो रेनो 10 सीरीज को लेकर, और मेनली यहाँ पे हमने 10 प्रो प्लस को कवर किया है जो कि हमारे पास अवेलेबल है, हमने इसको यूज करके देखा। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इसके अलावा अगर आप लोगों का वीडियो को लेकर कोई भी सजेशन है या फोन को लेकर कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी चलिए ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बाकी मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।